इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हो चुके हैं। इन 100 सालों में बहुत कुछ बदला है। हमारी कहानियां बदली हैं, हमारे कैरेक्टर्स बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, पर एक चीज नहीं बदली, स्टार्स के लिए हमारा क्रेज, वो जुनून, वो पागलपन, और उसे बढ़ावा देता हुआ इंटरनेट। आजकल हम इंटरनेट के थ्रू बड़े से बड़े सेलिब्रिटी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पर क्या वर्चुअल वर्ल्ड में इतनी पास लगने वाले ये स्टार्स सच में हमारे करीब हैं? हमारी आज की कहानी है एक ऑब्सेस्ड फैन की, कानपुर की अंजलि, जो अपने स्टार को ब्लाइंडली फॉलो करते करते भूल ही गई कि असलियत क्या है और सपना क्या। एंड हाउ अ क्लिक ऑन द वेब चेंज्ड हर लाइफ। Ready to play Holi with me today? अंजलि, अंजलि get up, अंजलि आंखें खोलो, अंजलि, अंजलि come on, अंजलि उठो, उठो अंजलि, अंजलि उठो, स्कूल जाना है, चलो उठो नीचे और ब्रेकफास्ट करो। गुड मॉर्निंग। घूर क्यों रहे हो? उधर देखो, चेंज करना है। डियर ऋत्विक, टुडे आई हैव गॉट द बिगेस्ट पोस्टर ऑफ योर्स एवर। लव यू सो मच। Your greatest fan, Anjali. Anjali? Hmm? आज स्कूल के बाद चाट खाने चले? नहीं, मैं बिजी हूँ। एक्स्ट्रा क्लास है? नहीं, डेट पर जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ओके, नेक्स्ट टाइम जब बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो तुमसे पूछ के बनाऊंगी। ओए, क्या कर रही है? डरा क्यों रही है बेचारे को? क्यूट है यार। अब वैसे तेरा बॉयफ्रेंड कब हुआ? है ना मेरा हीरो। कौन? एंड वैसे भी दीज किड्स आर नॉट माय टाइप। मेरा बॉयफ्रेंड ना फेमस होगा एंड Eiffel Tower में मुझे किस करेगा। आज फिर अंजलि, अंजलि क्या हो रहा है? शो मी। क्या है ये सब? कल अपने पेरेंट्स को बुलाओ। नोटबुक दो यहाँ पर। सॉरी मैम। नो, give me a notebook. इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सारा दिन FB, होमवर्क भी कभी कंप्लीट करके नहीं आती है। कई बार मैंने इसे क्लास से भी बाहर निकाल दिया है। और ये पता नहीं ये कौन है टीवी का एक्टर, सारा दिन इसे ही देखती रहती है। प्लीज आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। आज फ्राइडे,
अब तुम सीधे मंडे को स्कूल जाओगी। तब तक किताबें पढ़ो, टीवी देखो, जो दिल में आए करो, लेकिन इस घर के अंदर, समझी तुम? बाबा प्लीज। और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम फोन और लैपटॉप की जिम्मेदारी ले सकती हो, तब तक वो मेरे पास रहेगा। बाबा प्लीज, बाबा फोन। और एक बात और, दोबारा मुझे ये नॉनसेंस दिखना नहीं चाहिए। This is the last warning I'm giving. You understand that? Baba. पूजा, फोन देना अपना। क्यों? देना प्लीज। अब तो एमपी पे एरिथ्रे को स्टॉक करना बंद कर। तू स्कूल में इतनी चोमू लड़कों को स्टॉक करती है, मैंने तुझे कभी मना किया है? हाँ यार, उसकी भी एक लिमिट होती है, और एग्जाम से पास आ रहे एटलीस्ट नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज यार। और तू जब देखो तो एमपी पे लगी रहती है, जानता भी नहीं है वो तुझे। और तेरे पापा को अगर पता चल गया ना दैट यू यूजिंग माई फोन, तो दोनों को बराबर की पड़ेगी। मैं तेरा फोन यूज कर रही हूँ इसलिए तुझे प्रॉब्लम हो रही है ना? तो एकदम भाव क्यों खा रही है यार? आज मेरे पास फोन नहीं है तो जस्ट टेक इट। I'm sorry. Sorry, Pooja. Pooja, sorry. अच्छा, sorry. अरे वो क्या कर रही है? कोई देरी तक बोले पागल हो गई है। मैं तुझे बिल्कुल बोलना भूल गई। वो मिसेस कृष्णन है ना, तुझे स्टाफ रूम में देख रही थी। मिसेस कृष्णा ने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तो सारी नोटबुक भी सबमिट कर दिया। चल तू रुक यहाँ पे, मैं आती हूँ। स्टाफ रूम में तो मिसेस कृष्णन नहीं है। किसने बोला तुझे? वो मोहम्मद चाचा है ना। मैंने गलत सुना होगा। तुझे तो टाइम लगेगा ना? हाँ ना यार, ये बुलेटिन बोर्ड कंप्लीट करना है। मैं जाऊँ? ठीक है, बाय। चलो चलो बेटा, आप चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई है, चलो अब घर जाओ। ठीक। क्या हो गया? चाचा मेरा फोन नहीं मिल रहा है। चलो चलो, बैग में होगा, चलो। हेलो पूजा बेटा, अंजलि अभी तक घर नहीं पहुंची है, क्या वो तुम्हारे साथ है? नहीं अंकल, अंजलि मेरे साथ तो नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है वो स्कूल से कहाँ गई? अंकल पता नहीं कहाँ गई, मेरे निकलने के पहले ही चली गई थी वो स्कूल से।
ऐसी। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें कुछ पता चले या कोई भी खबर आए तो प्लीज हमें फोन करके बता देना। थैंक यू। अंजी तू कहाँ पे? तेरे मामला तुझे कब से ढूंढ रहे हैं? Where are you? Poo, I'm very sorry. मैंने तेरा फोन फ्लिक कर लिया था and मैं यहाँ पे लूप पे आके छुप गई थी, लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया है and अगर पापा को ये बात पता चल गई ना तो वो मुझे मार डालेंगे। अब अच्छा काम डाउ, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही कर, ओके? प्लीज हेल्प मी, मुझे बहुत डर लग रहा है पू, प्लीज प्लीज यू कैन हेल्प मी प्लीज। मामा मैं बाथरूम में, मामा मैं फेंट हो गई थी, जब तक उठती तब तक लाइट और दरवाजे बंद हो गए थे। अगर पूजा का ध्यान नहीं जाता तो सुबह तक तुम यहीं पड़ी रहती। थैंक यू। अंजू बेटा, ये रहा तुम्हारा सामान, लेकिन हाँ इसे सिर्फ तुम यहाँ घर पे यूज कर सकते। पर पापा। स्कूल नहीं ले जा सकती, वो भी तब तक जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। ओके पापा। क्या बात है, आज बहुत मक्खन लगा रही हूँ। फिर से स्कूल से बुलावा है क्या? कोई हरकत कर दी तुमने? क्या पापा, नहीं पापा, वो बॉम्बे में ना एक इवेंट है ऋत्विक का, उन्हें मैंने इतने दिनों से देखा भी नहीं है और आपने सारे पोस्टर्स भी फाड़ दिए और FB पर भी नहीं चेक कर सकती। पापा होली वाले दिन इवेंट है, आप लेकर चलेंगे ना मुझे? एंड उन्होंने खुद बुलाया है मुझे, प्लीज। खुद बुलाया? जानता भी है तुम्हें? बेटा ये सब गिमिक्स है और कुछ नहीं। अंजलि तुम ये सब जो देख रही हो ना स्क्रीन पे, ये सब सच नहीं होता। अभी एग्जाम टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सारे बातों पे ध्यान मत दो। पापा देखो ना, उसने कुछ मुझे खुद मैसेज किया है, देखो खुद इनवाइट किया है। अंजू बेटा ऐसे बहुत देखे हैं हमने, कोई पब्लिक रिलेशंस मैनेजर होगा या फिर कोई सेक्रेटरी या असिस्टेंट होगा जो ये सब लिखकर भेज रहा है। बेटा इन स्टार्स के पास कहां इतना वक्त होता है कि हर चीज का अपडेट देते रहे। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो बस। पापा आप सिर्फ बहाने मार रहे हैं। हम बहाने नहीं मार रहे, ये हमारा फैसला है कि तुम कहीं नहीं जा रही, समझ गई? पापा आपको FB और इंटरनेट के बारे में क्या पता, आपके तो अकाउंट भी नहीं है। पापा जो कह रहे हैं वही सही है। पापा एक दिन की बात है, जाने दीजिए ना। देखो तुम सिद्ध मत करो,
तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम समझ नहीं रही। इन हरकतों के चलते तुम अपना पूरा साल बर्बाद करोगी, इस बात का एहसास है तुम्हें? तुम कहीं नहीं जा रही हो, स्कूल जाओगी, पढ़ाई पर ध्यान दोगी, एंड दैट्स फाइनल। इस एज में टीनेजर्स को लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझता, सारी दुनिया उनके खिलाफ है। अंजलि को भी ऐसा ही लग रहा था। हर स्टार की एक ऑफिशियल साइट या ऑफिशियल सोशल नेटवर्किंग पेज होता है, पर स्टार्स के पास इतना टाइम कहाँ कि हर मेल का जवाब दें, FB अपडेट्स करें और इंटरेक्शन जारी रखें। ये बात अंजलि के डैड को समझ आती थी, पर ऋत्विक के जवाब से अंजलि इतनी खुश थी कि अपने डैड की इस बात को वो शायद बिलीव नहीं करना चाहती थी। हाय अंजलि, और तुम ऋत्विक के साथ डिनर पर जाने के लिए चुनी गई हो, कंफर्म करने के लिए मैसेज करो। यस, मुंबई पहुंच के कॉल करना, हम तुम्हारे लिए गाड़ी भेज देंगे। अंजलि सुन ना, मम्मी ने गाजर का हलवा दिया, फिर खाते हैं। यार बाद में खाते हैं ना, प्लीज अब मुझे जाना है। अरे वो कहाँ जाती है रोज रोज? कुछ नहीं, कुछ काम है। हाँ बाय। अंजलि सुन ना, हेलो, मैं CST पहुंच गई हूँ, आप कहाँ पर हैं? अरे टाइम खोटी कर दिए बेकार में, चल फोन रख। दादा मलाड। हाँ जी। कितना? 1000 रुपए। 1000? दादा मलाड जाएंगे? जाएंगे। कितना? 1000 रुपए। 1000? आप किधर जा रहे हैं? मलाड। तो साथ में चलें, शेयरिंग हो जाएगा ना? Yeah, okay. Okay? Okay, come on. वैसे आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ, आज ही आई हूँ। और मैं मलाड ना एक इवेंट के लिए जा रही हूँ,
वहाँ पे ऋत्विक का इवेंट है, उन्होंने खुद मुझे बुलाया है, पता है? एक मिनट, ये देखो। वाओ, नाइस डिनर डेट। हाँ, पता है ऋत्विक जानते हैं कि मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ, इसलिए उन्होंने खुद पर्सनली मुझे इनवाइट किया है। हाँ, इतना सब जान लिया आपने। वैसे मेरा नाम सचिन है और आपका? मेरा नाम अंजलि है, ऋत्विक की सबसे बड़ी फैन। अच्छा, मैंने तुम्हें भी उनसे मिला दूंगी, बहुत मजा आएगा। एक्सक्यूज मी, अभी चेंज करके आई। अगर मुझे ऐसे देखेगा तो रिजेक्ट कर देगा। I'll just come, huh? I'll hold it for you, na? It's okay. Why? यार तुम्हारा हीरो आएगा तो हाथों खाली रहना चाहिए। क्यों? उसका हाथ कैसे पकड़ोगी? I'll hold it. You go. Go. Hello. हाँ पूजा। जी अंकल। कुछ पता चला अंजलि का? नहीं अंकल, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कल स्कूल के बाद भी मुझे कहीं नहीं दिखी वो। बेटा, कोई भी खबर नहीं। कभी भी उसका फोन है तो प्लीज बताना। श्योर अंकल, आई विल। ओके बेटा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अवस्थी बोल रहा हूँ। हेलो अंकल, आई थिंक वो ऋत्विक के होली इवेंट के लिए मुंबई गई है। अच्छा, तो कब है ये इवेंट? अंकल इवेंट तो आज ही है, MGM कॉलेज में। आई थिंक वही गई होगी वो। बेटा तुम्हें पक्का पता कि आज ही है? अंकल वो मैंने उसके FB वॉल पे देखा, वहीं पे उसने ऐसा कुछ लिखा था। एक जगह अंजलि के पेरेंट्स फ्रेंटिकली उसे ढूंढ रहे थे और दूसरी जगह अंजलि वॉज रेडी टू मीट ऋत्विक। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन कुछ ही पलों में पूरा होने वाला था, एंड दैट इज ऑल शी कुड थिंक ऑफ।
अंजलि अंजलि रो मत, कोई बात नहीं, लुक ये सब तो होता ही है, पर अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा सुनो ये बताओ अब क्या करोगी, क्या प्लान है, किसी को जानते हो यहाँ पर, कोई है जिसके यहाँ रह सकती हो तुम, तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम यहाँ पर हो? मुझे घर जाना है। अच्छा, मम्मा पापा को बगैर अंजलि अंजलि मेरी बात सुनो, रोना बंद करो, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, मैं तुम्हारी टिकट करा देता हूँ, इट्स ओके इट्स ओके, तुम घर पहुंच जाओगे आराम से, एक मिनट में मेरे एजेंट से अभी बात करता हूँ मैं और तुम्हारा अभी टिकट करा देता हूँ, टुमारो यू विल गेट अ फ्लाइट, डोंट वरी, बस मैसेज तो ये तो अच्छी बात है ना, ब्रेकफास्ट में बुलाया तुमको तो, ये तो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं ऐसे चली जाऊंगी। अरे तो सुनो मेरी बात, पहले तो तुम रोना बंद करो और खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास ये मैसेज आया। दूसरी बात देखो, मैं भी एसआरके का बहुत बड़ा फैन हूँ और लास्ट टाइम जब उनकी तबीयत खराब हुई थी ना तो मैं तो हॉस्पिटल के बाहर 3 महीने तक बैठा हुआ था, फैन हो तो इतना तो करना पड़ेगा ना, क्यों? बट मैं रहूंगी कहाँ पर? रहने का क्या है, किसी होटल में रुक जाना आज रात को, कल सुबह तुम्हारी टिकट करा देंगे। चलो मैं तुम्हें होटल देता था ना आसपास, यहाँ जो भी अच्छा होटल होगा वहाँ रुक जाना तुम, चलो 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 आ जाओ। ऋत्विक अंजलि को पर्सनली नहीं जानता था, तो जाहिर है कि उसे नहीं पता था कि कानपुर से एक लड़की अपने घर से भागकर सिर्फ उसके लिए मुंबई आई थी। उधर अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि ऋत्विक ने उसे क्यों नहीं पहचाना, वहां अंजलि के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए मुंबई आ रहे थे, पर 2 करोड़ की पॉपुलेशन के इस शहर में क्या वो एक लड़की को ढूंढ सकते थे? से देखो इसी में ही होगा। नहीं यहाँ पर नहीं है। क्या बात कर रही है, तुमने मॉल में तो नहीं छोड़ दिया कहीं? नहीं, जब से मैं मुंबई हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा मेरे पास तो होटल के पैसे भी नहीं है। अंजलि अंजलि रिलैक्स रिलैक्स काम डाउन, तुम अंदर बैठो ना प्लीज, अंदर बैठो तुम, अंजलि रिलैक्स। सुनो एक काम करते हैं, तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड के घर चल लो, यही पास में ही है, ठीक है? रात को तुम वहीं रुक जाना और कल सुबह तुम्हारी कानपुर की टिकट करा दूंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एक बात बताओ तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या हैं? और बॉम्बे में पहले दिन तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी, ये लोग क्या कहेंगे? भैया 4 को ले चलो प्लीज। अब इनको यही सीढ़ियाँ चढ़नी है ना, ये है दानिया का घर, बैठो मैं चाय बनाता हूँ, बैठो बैठो। तानिया नहीं है, दिल्ली से है ना, शाम तक आती है और रात को कॉल सेंटर जाती है। चाय एक बार उससे
बात करनी है? डर लग रहा है ना मुझसे? किडनैप कर लूंगा। I'm so sorry, तुम मेरी इतनी हेल्प करो और how could I? ऐसा कुछ नहीं है। I'm so sorry। बाबा मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। एक मिनट बात करा देता हूँ तुम्हारे तानिया से। हेलो, हाँ तानिया। अच्छा सुनना यार, मेरी एक फ्रेंड तेरे घर पे रुकी हुई है, तो क्या उससे बात कर लेगी प्लीज? हाँ अंजलि, अंजलि नाम उसका। हाँ एक बात कर। हाय तानिया, आई एम सो सॉरी मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ ऐसे। मैं सिर्फ एक रात के लिए रहूँगी, कल मैं चली जाऊँगी। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं अभी कॉल सेंटर में हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है, तुम आराम से उधर ही रुक जाओ, मैं तुमसे कल सुबह मिलती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हो गई तसल्ली, रेपिस नहीं हूँ मैडम मैं। अच्छा सुनो, मैं जाता हूँ, तुम्हारा टिकट का अरेंजमेंट करना है मुझे, ठीक है? मैं सुबह तक आऊँगा, और इनकेस अगर तानिया जल्दी आ जाती है तो उसके पास चाबी है, इसलिए मैं बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ यार, इसमें ताला नहीं लग सकता ना इसलिए। ओके बाय। अच्छा सुनो, वैसे ऋत्विक तुम्हें मिलेगा ज़रूर। अपने सबसे बड़े फैन से बच के जाएगा क्या? स्लीप वेल, बाय। सबसे बड़ी फैन। अच्छा मैंने तुम्हें भी उनसे मिला दूंगी, बहुत मजा आएगा। एक्सक्यूज मी,
देखो, इसी में ही होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं है। इंटरनेट पर किसी की भी ऑनलाइन एक्टिविटी को फॉलो करना बहुत आसान होता है। सचिन ने रैंडमली अंजलि के सोशल नेटवर्किंग हैबिट्स को ऑब्जर्व किया, उसके आर्ली अपडेट्स देखे, उसके अपडेट्स से उसके प्लान्स को फॉलो किया और फिर इजीली एक फेक एफबी पेज बनाकर अंजलि को इनवाइट भेज दिया। इट वॉज एन ईविल प्लान टू टेक एडवांटेज ऑफ अ फैंस ऑब्सेशन। और कई लोग ऐसे ही इनोसेंट फैंस की तलाश में रहते हैं। इंटरनेट पर ऐसी छोटी चीजों के भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पापा, होने वाले दिन इवेंट है, आप लेकर चलेंगे ना मुझे? बेटा, ये सब गिविंग्स है और कुछ नहीं। तुम ये सब जो देख रही हो ना स्क्रीन पे, ये सब सच नहीं होता। कोई पब्लिक रिलेशंस मैनेजर होगा या फिर कोई सेक्रेटरी या असिस्टेंट होगा जो ये सब लिखकर भेज रहा है। हम अंजलि से मिल रहे हैं जी, यहीं पे आइए। बेटा, एक फोन तो कर दिया होगा। I'm sorry. ऐसे ही चली गई तो बेटा, हम तुम्हारे मम्मा पापा हैं, तुम्हें गुस्सा करते, तुम्हें कभी हेट नहीं करते बेटा। क्या तो सबसे हो जाती है, भूल जाओ। चलो बेटा,
अब घर चलो, हम है ना मम्मा पापा, हम सब ठीक कर देंगे, चलो। कृतिका, इट्स रियली सैड कि एक बहुत ही इनोसेंट से ऑब्सेशन की अंजलि को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बट शी वाज रियली लकी कि उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, दे लकीली फाउंड हर। लेकिन जो ट्रॉमा अंजलि ने महसूस किया, उसने पूरी जिंदगी बदल दी अंजलि की। बट इन एनी केस वी आर लकी कि हमारे पास ये मौका है कि हम ये कहानी आप तक पहुंचा सके, ताकि जो अंजलि के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। इजंट इट इंटरेस्टिंग ऋत्विक, हम एक्टर्स कितनी लाइव्स जीते हैं, कितने कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। मैंने खुद भी कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, वेदर इट वॉज आरोही और डॉक्टर निधि। आप सब लोगों ने हर कैरेक्टर को बहुत प्यार दिया, एंड वी लव यू गाइज, वी लव यू ऑल एज मच एज यू लव अस। सो ट्रू कृतिका, एक्चुअली विथ लव, हमारे प्यार के साथ साथ हमारे शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि आप लोग हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इन रिटर्न आपको कुछ सिखाएं या कुछ बताएं। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, इंटरनेट एक अलग ही दुनिया है अपने में। सो what people usually do is कि हमारे नाम से फेक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं कई सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग हमें प्यार करते हैं कि या हमारी जगह किसी भी एक्टर से प्यार करते हैं, तो उनसे टच में रहने के लिए किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे उनके वेरीफाइड अकाउंट को ही फॉलो करें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वेरीफाइड अकाउंट कौन सा होता है, तो हमारे नाम के आगे देयर विल बी अ टिक मार्क, सो दैट इज द वेरीफाइड अकाउंट जो हम लोग पर्सनली संभालते हैं और आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो एक ही अकाउंट होता है जो हम हैंडल करते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं। सो आई जस्ट वॉन्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि किसी की कोई भी हो, हमारा नाम लेकर आपसे अगर कुछ भी कहने की या करवाने की कोशिश करे, तो प्लीज़ उनकी बातों में ना आए प्लीज़। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड हैविंग दिस फेथ इन अस। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते विद अनदर स्टोरी ऑफ अ यंगस्टर हु गॉट वेप्ड। साइनिंग ऑफ टुडे, दिस इज मी कृतिका कामरा। And this is Ritvik Dhanjani. I will keep seeing you guys. Tab tak ke liye guys, have fun. And we all love you a lot. So, serve smart and stay safe.